गुरु जी आपके चरण स्पर्श करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद। अब ये शक्ति क्षेत्र है जी, यहाँ पर माँ भारती की उपासना होती है। ओके, सुबह यहाँ शक्त हैं, शक्ति उपासक हैं। जब हम वहां बैठते हैं हम शैव हो जाते हैं, हम शिव की उपासना करते हैं। और ये क्रेडिट मुझे जाता है। बहुत शानदार। ये आपको देखते ही राम राम कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मेरे इस नए व्लॉग में आपका। और देखिए आज मैं आपको एक अद्भुत और अनूठे सफर पर लेकर निकला हूँ। हम जा रहे हैं गुरुजी पवन सिन्हा के आश्रम पावन चिंतन धारा। जी हाँ, और ये पूरा इंटरव्यू मैं व्लॉगिंग स्टाइल में शूट करूंगा, यानी पूरे इंटरव्यू के दौरान कैमरा मेरे हाथों में होगा। इंटरव्यू के दौरान अगर हमें लगता है कि किसी और को कैमरा दे देने की जरूरत है तो बेशक हम किसी की मदद लेंगे, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि ये पूरा इंटरव्यू आप तक व्लॉगिंग स्टाइल में पहुंचे और मैं इसे वैसे ही अपने हाथ में कैमरा लेकर व्लॉगिंग स्टाइल में शूट करूं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये सफर आश्रम तक का मेरे घर से 1 घंटे 4 मिनट का सफर है। हम इसे देखते हैं कितनी जल्दी तय कर पाते हैं। जल्दबाजी सिर्फ आश्रम पहुंचने की है, गुरुजी के दर्शन करने की है और बहुत सारी बातें हम आश्रम घूमते हुए गुरुजी से करेंगे। देखते रहिएगा ये पूरा इंटरव्यू, क्योंकि क्या पता आपके जहन में कौन सा सवाल हो जिसका जवाब आज आपको मिलने वाला हो। तो चलिए इस सफर की, इस अद्भुत और अनूठे सफर की शुरुआत करते हैं और पावन चिंतन धारा जाकर आपसे मिलते हैं। आज के दिन का इससे बड़ा सदुपयोग, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता था कि मेरे सफर में आप हम सफर रहे और मैं आपको पावन चिंतन धारा तक ले आया। ये स्पिरिचुअल गुरु, आध्यात्मिक गुरु, गुरु श्री पवन सिन्हा जी का आश्रम है और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। जैसे हम ईश्वर के दर पर जाते हैं और कहते हैं कि जब तक बुलावा नहीं आता तब तक वहाँ हम नहीं जा सकते, आपको यकीन दिलाता हूँ कि कई सालों से प्लान कर रहा था कि गुरुजी के आश्रम जाऊं, उनका आशीर्वाद लूं, लेकिन आज ये मुमकिन हो पाया है, आज ये संभव हो पाया है। और मेरी धूर्तता देखिए कि गुरुजी मेरे समक्ष खड़े हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूं। गुरुजी आपके चरण स्पर्श करता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपके आश्रम में हूँ। मैं जानता हूँ कि आप में लोग ईश्वर को ही देखते हैं, लेकिन आपसे मिलने के बाद ईश्वर से मिलना और ज्यादा सुगम और सरल हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस वक्त आपके आश्रम में खड़ा हूँ, इस धरती पर खड़ा हुआ हूँ, मैं यहाँ तक तो आ गया, अब यहाँ के बाद आप मुझे लेकर के जाएंगे और साथ के साथ आपके आश्रम में तो हम घूमेंगे ही। मैं आपसे कुछ सवाल भी करूँगा जो दर्शकों के सवाल हैं, जो आमतौर पर हम आपको टीवी पर देखते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, तो लोग जानना चाहते हैं लेकिन सहजता से जान नहीं पाते। सबसे पहला सवाल मेरा यह है गुरुजी कि मैं यहाँ स्वामी विवेकानंद जी का काफ़ी प्रभाव देख रहा हूँ। गेट पर भी मैं आया तो आपकी तस्वीर के साथ स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर लगी हुई है। स्वामी विवेकानंद जी का प्रभाव कब आपने अपने ऊपर महसूस किया और कितना प्रभावित स्वामी विवेकानंद जी ने आपको किया?
बचपन से बहुत छोटा मैं था तभी से उनका बड़ा प्रभाव मेरे ऊपर रहा और उनके गुरु या जिन्हें मैं गुरु महाराज कहता हूँ स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, उनका भी प्रभाव, उनकी शिक्षाओं का प्रभाव मुझ पर बहुत शुरू से रहा। दरअसल मैं जो एक गुरु की कल्पना करता हूँ जी, उसमें वो हर जगह फिट होते हैं। एक गुरु जो पढ़ने में भी बहुत तेज है जी, जो खेलने में भी बहुत तेज है, जो समाज को भी समझता है, जो लोगों की मनस्थिति को भी समझता है, जो भगवान को भी समझता है, समझे बिना नहीं कहता कि भगवान के दर्शन हो जाएंगे, ये स्वयं करता है। पहले तो पहले वो अपने आचरण से आगे बढ़ते हैं, है ना, और तब जाके लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसे हम कहते हैं। तो इसलिए ये इतनी सारी उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं। सबसे बड़ी बात, वो राष्ट्रदेव को मानते हैं जी, राष्ट्रभक्त हैं। इस देश के समाज में उनकी गहरी आस्था है, इस देश के सभी परंपराओं को वो अंगीकृत करते हैं। तो ये सारे कारण रहे कि मैं बचपन से उनके उनके साथ ही पला बड़ा। ऐसे ईश्वर भक्ति को सर्वोपरि मानते हैं आप या राष्ट्रभक्ति को? राष्ट्र के बिना ईश्वर भक्ति नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। अगर हमारे मन में वह करुणा नहीं है, वो प्रेम नहीं है, अगर मैं मेरे राष्ट्र को संजो कर नहीं रख सकता, मैं मेरे मंदिर को भी संजो कर नहीं रख सकता। यदि मैं आज व्यवहारिकता की धरातल पर खड़े होकर काम नहीं कर सकता, तो केवल रोना, मोक्ष और स्वर्ग, ये तीन चीज़ों से मैं सोचूं ईश्वर मुझे मिल जाएगा, वो नहीं है। ईश्वर मुझे भक्ति देते हैं, राष्ट्र मुझे कर्म की प्रेरणा देता है। कर्म की प्रेरणा के बिना भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है, यद्यपि दोनों साथ ही चलते हैं जी। हमारे दिमाग में हर वक्त एक दूसरे के साथ दोनों रहते हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्र भक्ति के बिना ईश्वर की भक्ति संभव ही नहीं है। जब आश्रम में हम गुरुजी आपके आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं, मैं दिखाना चाहूंगा, नारायण क्षेत्र है। मैं चाहूंगा कि आप हमें दिखाएं कि ये क्षेत्र कैसा है और क्या इसका महत्व है गुरुजी। हाँ, ये मेरी बड़ी फेवरेट जगह है जी, और यहाँ लगता है मुझे कि मानो मैं मेरे गुरु के साथ ही बैठा हुआ हूँ जी। आइए, ये अरे सब जानते ही जी, स्वामी विवेकानंद जी को गुरु महाराज जी जी, पूजनीय रामकृष्ण परमहंस जी, अभी आपने जिक्र किया जी, और हमारी पूजनीय गुरु माता जी जी, इन तीन के विलक्षण व्यक्तित्व का जो प्रभाव है जी, वो मिट नहीं सकता मेरे, वो हर क्षण है जी, वो किसी क्षण विशेष नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ आसन लगा के बैठूंगा, पूजा करूंगा तभी होगा जी, वो होगा जी, वो अमिट रहता, अमिट रहता है जी। और फिर हमारी संस्कृति के जो पुरोधा है, हमारी संस्कृति के जो एक तरीके से हम लोग जिनको अपनी संस्कृति का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, भगवान श्री राम और माता सीता और श्री हनुमान जी का विग्रह, मुझे ध्यान विग्रह ज़्यादा पसंद है जी। मतलब बल भी दिखे उसमें और वह ध्यान विग्रह भी हो जी। दोनों एक साथ हो जी। तो यहाँ पर बल भी है, श्री राम जी का कोदंड भी है और श्री हनुमान जी का, हनुमान जी की भक्ति के साथ साथ श्री हनुमान जी का ध्यान विग्रह भी जी है। और फिर नारायण का एक और स्वरूप है, वह हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण। मैं योगेश्वर श्री कृष्ण की आराधना अधिक करता हूँ और यहाँ आप देखेंगे तो श्री कृष्ण के अलग अलग विग्रह हैं। ये जगन्नाथ मंदिर में जो आपको देखेंगे, ये विग्रह बलदाऊ जी हैं, बहन सुभद्रा हैं, श्री कृष्ण हैं, वो बांसुरी वाले श्री कृष्ण हैं और लड्डू गोपाल, इन्हें तो सब बहुत प्यार करते हैं पूरे भारत में जी। योगेश्वर श्री कृष्ण को मैं विशेष रूप से इसलिए पूछता हूँ जी, इन्होंने गीता दी जी, इन्होंने जिंदगी को जीना सिखाया जी, जिंदगी के मायने क्या होते हैं जी, ये हम समझ पाते हैं जब हम योगेश्वर श्री कृष्ण की उपासना करते हैं जी। ऐसे तो कोई भी व्यक्ति किसी भी स्वरूप की उपासना करे जी, लेकिन योगेश्वर श्री कृष्ण की उपासना करने से जीवन के महत्व को समझने का या जीवन को, जीवन की समस्याओं से निकलने का जी, अपने आप एक मार्ग मिल जाता है जी।
तो गुरु जी यहाँ से हम जाते हैं तो सामने ये जो मैं देख रहा हूँ यहाँ हवन कुंड बना हुआ है, आप नियमित तौर पर हवन करते हैं? जी, इधर यहाँ नियमित रूप से यज्ञ होता है जी, प्रातः यज्ञ होता है। और यह हवन कुंड से सबसे पहले, हवन कुंड में भी जाने से पहले हम लोग यहाँ पर प्रणाम करते हैं जी। देखिए बहुत आवश्यक है हमारे मंदिरों में उन वीरों के लिए प्रार्थना करना या उन वीरों को प्रणाम करना, धन्यवाद कहना, जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व बचा हुआ है। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए जिन्होंने लोगों ने राष्ट्र के लिए जीवन दिया, वो फौज के हो सकते हैं, पुलिस के हो सकते हैं, वह राजनीति के हो सकते हैं जी, तो हम उन सभी लोगों को प्रतिदिन नमन करते हैं यहाँ पर। फिर राष्ट्र ध्वज को प्रणाम करते हैं, फिर धर्म ध्वज को प्रणाम करते हैं। यहाँ दो ध्वज दिखाई दे रहे हैं, एक राष्ट्र ध्वज है और एक धर्म ध्वज है। दोनों दो ध्वजों का विवाद इस हिंदुस्तान में बहुत है, बहुत और जी यहाँ ये मैं दिखाना चाहूंगा, ये हवन कुंड है, प्रतिदिन यज्ञ होता है जी, और जो लोग यज्ञ करते हैं वो स्वयं इसकी सेवा भी करते हैं। अच्छा गुरु जी, आश्रम में ऐसे कितने लोग हैं जो सेवारत हैं और सेवा करते हैं? लगभग 50 लोग तो प्रतिदिन होते ही हैं। अच्छा, और आश्रम में जो सबसे बड़ी खासियत क्या है, आश्रम एक तरीके से ट्रेनिंग सेंटर होता है जी। हमने जैसे ऋषि कौटिल्य के बारे में पढ़ा है, हमने जैसे श्री कृष्ण जी के बारे में पढ़ा है, श्री राम के बारे में पढ़ा है, ये सब आश्रम में जाकर पढ़े हैं जी, गुरुकुलों में जाकर पढ़े। तो गुरुकुल एक ट्रेनिंग सेंटर होता है जहाँ मनुष्य को मनुष्य बनने की प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। हमने भी अपना आश्रम उसी ऋषिकुल परंपरा पर आधारित किया है जी। उसमें नियमित रूप से ट्रेनिंग है, सुबह सब लोग आएंगे, दौड़ने भागने जाएंगे, योग अभ्यास करेंगे, यज्ञ करेंगे, उपरांत उसके नाश्ता करेंगे, हर चीज़ का एक नियम तय है, तय है। और सभी के शरीर सौष्ठव पर भी बल दिया जाता है, मानसिक विकास पर भी बल दिया जाता है, और पढ़ाई लिखाई पर भी बहुत बल दिया जाता है। ये सीधे हाथ पर आपके गुरुजी क्या है? ये यहाँ पर हमारा शिव क्षेत्र है जी, यहाँ हम लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं, और यहाँ पर कहीं पर भी ताला नहीं रहता। मैं देख रहा हूँ कि आपके आश्रम में कहीं पर भी ताला नहीं है। कहीं ताला नहीं रहता, लोग रात के 2 बजे 1 बजे बैठते हैं, ध्यान करते हैं, और ध्यान पर मेरा सबसे ज्यादा जोर रहता है जी, क्योंकि हमें कुछ प्रपंचों से बाहर निकलना होगा जी। हम सामान्यता करते क्या है कि अपने प्रपंचों में इतने उलझ जाते हैं कि वो भगवान जिसके लिए प्रपंच किए जा रहे थे वो इग्नोर हो जाते हैं। तो बहुत सादे तरीके से पूजा करनी चाहिए जी, इधर उधर बहुत ज़्यादा भागे बिना ध्यान साधना हमें करनी चाहिए, प्रभु नाम, प्रभु काम, प्रभु ध्यान, ये हम लोगों का लक्ष्य भी है, ये हमारा मोटो भी। गुरु जी आपके चरण स्पर्श करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद। अब ये शक्ति क्षेत्र है जी, यहाँ पर माँ भारती की उपासना होती है। ओके, सुबह यहाँ उपासना, हम लोग शाक्त हैं, शक्ति उपासक हैं, जब हम वहाँ बैठते हैं हम शैव हो जाते हैं, हम शिव की उपासना करते हैं। और ये क्रेडिट मुझे जाता है। बहुत शानदार, ये आपको देखते ही राम राम कर रही है। टाइम क्यों वेस्ट करो, 31 दिसंबर को सीधे देख लो ना, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।